AIMIM विधायक शहनवाज आलम के आरोप के बाद पूर्व सांसद सरफराज आलम ने मीडिया के माध्यम अपने छोटे भाई को जवाब दिया है। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर RJD नेता सरफराज आलम ने कहा, शहनवाज समाज में मेरी छवि को धूलित करना चाहता है। आगे उन्होंने कहा कि यह हमारा पर्सनल मामला था। पैतृक जमीन की हिस्सेदारी को लेकर मैं माँ से मिलने सिसोना गया हुआ था, लेकिन नवनिर्वाचित विधायक ने इसे राजनीति मुद्दा बना दिया है। अपनी पत्नी के माध्यम मुझ पर FIR दर्ज करवा दिया, जबकि मैं बेकसूर हूँ और मुझ पर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद है। मैं तो वही दुनिया के लोगों के आम लोगों को कहना चाहता हूँ, मैं करवट प्रार्थना करना चाहता हूँ, आज ही करना चाहता हूँ कि इसको प्रशासन और सरकार जांच करे। सीमांचल में मेरे छवि को धूमिल करना चाहता है और मेरा निजी आवास है सिसोना, मेरा निजी आवास है और मेरा बाप का रड़िया मकान है, मेरा बाप ने जो बनाया, मेरा बाप किशनगंज में मकान बनाया और सिसोना और सारी संपत्ति को, एक तो मैंने दुआ लिया था, उस दुआ को भी छीनना चाहता, सारा संपत्ति तो उन लोग कब्जा के लिए। अरे मैंने, अगर मेरे में इंसानियत नहीं होता ट्रैक्टर एजेंसी में, किसने जुगल तोसनीवाल से पैसा दिलाया कि भट्टा किसके ज़मीन पर खोले, हम उस पर नहीं जाना चाहते। मेरे वाइफ को जिस दिन तेजस्वी आया क्या नहीं गाली दिया, मैं नहीं सुनाना चाहता। सिर्फ यही जानिए कि चुनाव में मेरे लोगों को किस किस तरह परेशान किया गया। खलील का नाम क्यों आया, मैं खलील के मकान में रहा, यही गुनाह है। और लोगों को लोकप्रियता क्या पकड़ेगा, आपने बीवी से केस कराया है तो माँ से न पूछ लो, उसकी बीवी बाहर थी क्या, मेन बिल्डिंग के बाद मैं जहाँ हूँ फोटो भी जारी किया। इसी वजह मैं जनता को कहना चाहता हूँ कि मेरा इंसाफ करो, मेरे लोगों को मारा, मेरे परिवार को टॉर्चर करने का काम किया, मेरी सारी संपत्ति को जो अधिकार है वो छीनना चाहता है और सुखा लोकप्रियता लेना चाहता है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।